तो गाइस फाइनली जो नंबर हमें लेना था वो हमें मिल गया। ये देख लो इसको नौटंकी, टाटा बाय बाय बोल देंगे इसको, बाय। मेरे से कोई प्यार नहीं करता, मैं घर छोड़ के जा। चीनू लेट हो जाएगी, इधर खड़ी हो। उठ जा। है क्या? क्या नहीं? गुड मॉर्निंग, स्वाति ने जो है रात को खाना नहीं खाया और मैं बोल के सोई थी और अब खाने लग रही है। अभी उठी हूँ मैं, पता है मेरे को, तो आते ही खा लेती फिर बनाया। आके इतनी भूख नहीं थी क्योंकि मैंने खा लिया था, सुबह नहीं खाया था ना तो एग्जाम के बाद खा लिया था। फिर उसके बाद आई जब भूख नहीं थी, लेकिन नींद बहुत ज्यादा आ रही थी तब सो के अब उठी हूँ। 6 बजे उठी थी जब चीनू आई, मैं सो गई रात को, मतलब आने के बाद, एग्जाम दे के आने के बाद। उसके बाद अभी उठी हूँ और उठ के बहुत सारी भूख, मतलब बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, पेट ऐसे अंदर चला गया था बिल्कुल। वो भी चीनू आ गई, मैं इसलिए उठ गई क्योंकि वो तैयार हो रही थी ना वरना। और पता नहीं एक ही दिन का गैप है, कल फिर से एग्जाम है, नींद पूरी करूँ पढ़ू क्या करूँ। नेक्स्ट एग्जाम में भी ऐसे ही, अब जैसे कल एग्जाम है, परसों एक दिन का गैप है, अगले दिन फिर एग्जाम है, फिर उससे अगले पेपर में 3 दिन की छुट्टी है। तो भाई करना है, अब जो भी है वो तो इनको देखना चाहिए। एक पेपर में तो 4-4, 5-5 भी दे दी इन्होंने, फिर बिल्कुल ही एक दी, वो तो सोचना चाहिए कि बच्चा पढ़ेगा भी। बोल दिया करो ना तुम ऐसे, ये तो खुद ही बनाते हैं डेट शीट आगे से बन के आती है, वो नहीं हो सकती चेंज। चलो ठीक, अब जो भी है करना तो है ही, अब जैसे तैसे भी करना है। स्कूल नहीं है ना, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी से बन के आती है। तो डेली पूछते हैं सब लोग कि आप क्या करते हो, फिर वही सवाल। Q&A वीडियो बनाऊंगी मैं, एग्जाम मेरा 30 तारीख को लास्ट एग्जाम है, उसमें Q&A वीडियो का वेट करो। वेट करो गाइज। तो गाइज एक बार मैं जा रही हूँ स्कूटी के काम से, आपको पता है ना नंबर प्लेट लानी है, तो मैं अभी बस 5 मिनट में घर से निकल रही हूँ। खाना वगैरह सब खा लिया है मैंने, चीनू और स्वाति घर पे हैं, तो भाई मैं निकल रही हूँ, मेरी कैब आने वाली है। चलो भाई बाय बाय। तो गाइज शोरूम पे मैं पहुंच चुकी हूँ नंबर प्लेट लेने के लिए, अभी मैं अंदर जाती हूँ और पूछ के आती हूँ कि कब तक मिलेगी। तो मैं जा रही हूँ अंदर, फिर आपको बताती हूँ। तो गाइज फाइनली जो नंबर हमें लेना था वो हमें मिल गया है और अब मैं जा रही हूँ घर पर, और फिर दिखाऊंगी आपको कि कौन सा नंबर लिया है हमने। तो गाइज जो मैं स्कूटी के काम से गई थी ना, तो काम मेरा हो गया है, मैं घर पे पहुंच गई हूँ, पर भाई इतना जाम था पूछो ही मत, सबने उतर उतर के अपनी गाड़ियों में से जाम को हटवाया है, तब कहीं जाके घर पहुंचे हैं। इतनी प्यास लगी रास्ते में ना, तो कोई पानी वाला दिखा ना कुछ खाने वाला दिखा। अभी आके खाना खाऊंगी, खाना भी नहीं, छोले कुलचे मंगा रखे। चीनू को फोन किया कि तू छोले कुलचे ला के रख दे और ट्यूशन पे चली जा, तो भाई अभी खा लेती हूँ छोले कुलचे। स्वाति तूने खा लिया? तो भाई स्वाति ने तो खा लिया है, और ये छोले, ये कुलचे और इसमें छोले वगैरह रखे हुए हैं, वही अपना खा लेती हूँ, जबरदस्त भूख लगी है। पहले तो मैं पानी पीऊंगी, स्वाति पानी ला दे गिलास। तो गाइस खाना खा लिया है मैंने, और अब मैं फिर से एक काम के लिए निकलूंगी, मेरे को टाइल लानी है, इंटरलॉकिंग वाली टाइल, आपको दिखाती हूँ कैसी वाली, तो भी लेने चली जाती हूँ मैं। ये जो टाइल यहाँ पे बिछी है ना, ऐसी और लेके आनी है, वो जहाँ पे काम चला हुआ है ना हमारा, तो वहाँ लगेंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ लेने ये वाली टाइल, इंटरलॉकिंग वाली। तो गाइस प्लांट पे पहुंच गई हूँ मैं, अभी ट्रैक्टर में टाइल लोड करवा रही हूँ और फिर घर पे जाएंगी टाइल, कम से कम 1 घंटा लगेगा यहाँ पे उस पे लोड करने पे। तो चलो भाई लोड करवा लेती हूँ जाके अंदर। तो गाइस मैं ऐसे ही ना शॉर्ट्स देख रही थी यूट्यूब पे, और मैंने एक शॉर्ट देखी थी, मतलब उसमें जो ये पॉपिट होता है ना, ये पॉपिट, इसके अंदर पहले जैम्स डाले, फिर डेयरी मिल्क की चॉकलेट मेल्ट करके डाली, और फिर उससे बहुत अच्छी शेप की चॉकलेट बन के निकली। तो बनाते वैसे चॉकलेट खाने में तो चॉकलेट है, अंदर जाके वो मेल्ट होना है सब कुछ, पर फिर भी थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, सेटिस्फाइंग सा, तो इसलिए मैं बना रही हूँ। और मैंने यहाँ पे चॉकलेट मेल्ट कर लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, ये मैंने चॉकलेट मेल्ट कर लिया है गर्म पानी के अंदर, और इसको डाल दिया, ये बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। और ये रहे जेम्स, और ये रहा पॉपिट। गाइस ये मैंने जेम्स डाल दिए इसके अंदर, अब चॉकलेट इसमें डाल देंगे। तो गाइस ये मैंने रख दिया है इसमें, मतलब पहले जैम्स डाले फिर चॉकलेट डाल के, और अच्छे से रख दिया है। अब जब तक ये जम नहीं जाता जब तक वेट करेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगी मतलब बनने के बाद ये कैसा दिखता है, कैसा निकल के आता है। ओके गाइस गाइस हम चाय पी रहे हैं, और स्वाति ने बिस्किट खोला, और ये हालत देखो बिस्किट की,
ऐसे ही बनाते हैं खराब। छेद हो रहा है इसमें, अब ये सही है खराब है, बस खाए इसको नीचे वाला दे। और स्वाति बहुत थकी हुई है, इसको ऊपर से बुला के लाई हूँ, आज ये ऊपर काम कर रही थी, हवा चल रही है ना तो छत पे बैठी हुई थी। अभी चाय पी लेते हैं, बहुत नींद आ रही है मम्मा, और कल एग्जाम है और हुआ भी नहीं अभी प्रिपेयर। करना तो खुद से ही है बाबू, बेबी बाबू। चीनू तूने अपनी नहीं बनाई, पी लिया अगर कभी हमारे साथ बैठ के तू भी। और कोई स्कूल बदलना है क्या अभी बता दिए? हाँ। क्या जिसमें मुस्कान नहीं है? तो भाई ये सारा मुस्कान के ऊपर पंगा हो रखा है इसका। ओ, मुस्कान के ऊपर भी पंगा नहीं हो रखा। तूने बोला जिसमें मुस्कान गई है मेरे को उसमें जाना है, तो अभी जिसमें तेरी बात करी है मुस्कान तो उसमें भी नहीं है। ये देख लो इसको नौटंकी, इसको मिल रहा है इतना। मैंने टाइम पे एक स्कूल मतलब था कि जाना है इसमें, इसमें ही जाना है, और ना खुद में कहने की हिम्मत थी कि स्कूल चेंज करा दो। इसे देखो तो नई जनरेशन, नई जनरेशन का फायदा। ये पुरानी है, मैं पुरानी हूँ, मेरे से तो पुरानी है। मुन्नू 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 कहाँ है, क्या क्या चाहिए? गाइस कब मैंने टाइल मंगवाए थे और देखो इतने लेट टाइल आई है, वो वहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा है अभी उतरवा रही हूँ। ये देखो गाइस टाइल्स उतर रही हैं अभी, अंदर बाहर अंदर घुसने का भी तो चाहिए रास्ता, एंट्री तो करेंगे यहीं से। बात सुनो, एक साइड में डाल दो थोड़ी ऊपर ऊपर की, फिर मैं इसके अंदर लगा रहा हूँ, ऊपर से डाल दूंगी अंदर। ये देखो भाई पतली को क्या हुआ, वो भाग गई। ऐसे तंग करते हैं ये अपनी मम्मी को। तो भाई इनका खाना डाल देती हूँ मैं अभी, देखो कैसे परेशान कर रहे हैं। आन जाओ चुन्नू मुन्नू पुन्नू। ये चुन्नू सबसे ज्यादा शरारती है, ये वाला सबसे ज्यादा शरारती। तो गाइस ये गेट के पिलर भर गए हैं आज दोनों, और अभी गेट तैयार होने लग रहा है यहाँ का। ये कंप्लीट तो खैर नहीं हुआ है, अभी ऊपर का बचता है थोड़ा बहुत, तो ये कल तक हो जाएगा। फिर यहाँ पे नया गेट लग जाएगा, एक अच्छा सा गेट, उसमें थोड़ा डिजाइन वगैरह करा दिया है, और जो पहले था वो तो ये वाला है ही, ये वाला था पहले, ये यहाँ पे उतार दिया है इसको। तो गाइस मैंने चीनू को बोल दिया है कि चुन्नू मुन्नू पुन्नू की लस्सी डाल आएगी, ये आज मक्खन वाली लस्सी है, वैसे भी ये खुश होके पीते हैं क्योंकि खट्टी नहीं होती। चम्मच से इसको थोड़ा मिक्स कर ले, चलो पी लो जाके, चीनू ले आई है तुम्हारे लिए लस्सी। तीनों देखो भाई, तीनों नहीं चारों आ गए। पतली का तो नंबर ही नहीं आता, खिलाऊंगी मुंह ना मार दे, यू पकड़ो ना। क्या हाल है? कैसे हो रही है मुड़ के? क्या हाल है? और उन तीनों को देखो कैसे मस्त पी रहे हैं, अपनी मम्मी को भी नहीं पीने दे रहे। क्या हाल है पतली? ये दिन दोनों से छोटा है ना? ये छोटा है और ये दोनों इसको बहुत काटते हैं, ये दोनों मिलके। पीने देना इसको, ये देखो भाई ये मम्मी जैसी शक्ल है इसके अपने। हेलो हेलो, पीने दे चीनू, उसको भूख लगी है, देखो कितना प्यारा है। चाट लेगा ये जीभ से? दूर है, नहीं चाटेगा। कैसा मासूम सा बन गया गोदी में आके ना। मैं मासूम हूँ, मैं बना नहीं हूँ, मैं हूँ। अच्छा बहुत तंग करता है तो पुन्नू को, उसके कान खींचता है फिर वो प्यों प्यों करता है। ये और चुन्नू दोनों मिलके मुन्नू है ना, इनको देख और आजा। मत दूध पीते हुए, नहीं कुछ नहीं कहती को, तीनों रहने दे, फिर भी रिस्क नहीं उठाना। अरे नहीं बोल दे, पतली पतली बड़ी है ना पतली। तो गाइस मैं एक बार जा रही हूँ सब्जी वगैरह लेने चीनू के साथ, तो कई दिन से सब्जी वगैरह लाई नहीं हूँ, तो आज ले आती हूँ मैं, इनकी पसंद का ले आऊंगी कुछ भी जो भी ये खाए। स्वाति ने तो बोल दिया कि आप ले आओ भिंडी और सीताफल। तेरे को क्या खाना है? वो जैसी होटल पे बनते हैं ना, रेस्टोरेंट वगैरह पे वैसा बनाना। ठीक है।
मम्मा मैं वो कितना अच्छा बनाती हूँ सब बोलते हैं, जो मैं वो मलाई कोफ्ता बनाती हूँ। आपको याद है पनीर और आलू का? आपको याद नहीं है? झूठ मत बोलो, मैंने मलाई कोफ्ता बहुत बार, दो तीन बार बनाया है। तो मैंने थोड़ी खाया है जो मुझे याद हो। ठीक है, मैं तो बनाऊंगी नहीं। ठीक है, चला जल्दी आ, मत बना, मुझे वैसे भी नहीं खाना। तो गाइज हम जा रहे हैं सब्जी लेने यही पड़ोस में, ज्यादा दूर नहीं जा रहे हैं। चल चिन्ह बार अगली गली में बैठो, ये नीचे करिए। तो गाइज अभी मैं सब्जी वगैरह लाई थी और चीनू उसमें से काट रही है अभी मूली सलाद में खाने के लिए। आज मूली खाने का मन था और प्याज काट दिए, खीरा काट दिया है, ये घी बनने लग रहा है और ये आटा गूंद लिया है। मेरे को बोल रहे हैं कि रोटी बना लिया करो कभी, आप डेली चावल बना देते हो तो आलस में रहते हो। मम्मी मम्मी कुछ काम नहीं करती गाइज, मम्मी कुछ भी काम नहीं करती, सारा काम मेरे चोर दीदी से करवाती है। और ना ही पोचा झाड़ू तो काम वाली आंटी करती है और मम्मी कुछ भी नहीं करती। इसको तो बस यही शिकायतें लगाना, गलत बोलना, सब इसने सीख रखा है। गलत बोलना क्या, काम करा करो काम। तो गाइस ये चुन्नू मुन्नू के पराठे ही सुबह बनाए थे तो खाए नहीं, बच गए। और एक ये भटूरा है उनको खिलाने के लिए चीनू, उनको भी अपने की तरह चटोरा बनाएगी अभी और डालने के लिए जा रही है। गाइस चीनू आज मिर्ची का अचार लाई थी और अच्छा है अचार, काफी खा रहे हैं सब। साथी अभी आई नहीं है यार, बताऊं मैं कहां से लाई हूं। जब अंकल कचौड़ी खा रहे थे ना तो वह बहुत अच्छा लगा, तो मम्मी उसको बोल के आई थी कि बना देना, तो आज मैं ले आई। तो चीनू जब ट्यूशन गई ना तो ले आई वहां से, वही अभी खा के बताती हूँ आपको कैसा है। कल तो वहां पे बहुत स्वाद था। तो गाइस मैंने जो दिन में वो पॉपिट के अंदर जैम्स और चॉकलेट का वो कुछ भी जो भी बोलते उसको बनाया था, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ वो बना भी है, कैसा बनाया कैसा नहीं। ये देखो गाइस ये जम चुका है, हैं ये क्रैक क्यों हो गया बीच में से? मम्मा ये आपने छेड़ा है क्या? भाई गाइस ये किसी ने छेड़ा है जो भी टूट गया है, कोई नहीं इसको निकालती हूँ इसमें से। तो गाइस देखो ये कुछ ऐसा बना है और ये वाले में पता नहीं आका जैम्स का आ गया, ये बिल्कुल परफेक्ट शेप का बना है। अगर मैं ओरो में जैम्स नहीं डालती तो वो भी बिल्कुल ऐसे बनते और शायद निकल जाता अच्छे से, बट ये एक एक लाइन निकल गई है तीन, तो भाई सही है ये भी मस्त। खाओगे? नहीं बस चॉकलेट और जैम खाना मुझे था। गाइस मम्मी तो खा भी नहीं रही, मैं ही खा लेती हूँ। तो गाइज आज ना मैंने रात को सब्जी काटी है, ये क्या बोलते हैं इसको, हाँ गवार की फली ना, हम भूल गई थी क्योंकि ये बहुत ज्यादा होती है और छोटे होते हैं तो सुबह नहीं कटेगी चीनू के स्कूल के टाइम तक, तो मैंने अभी काट के रख दी है, तो सुबह इसमें कम से कम आधा घंटा लग जाता। तो चीनू की फरमाइश थी कि मेरे को गवार की फली खानी है सुबह, तो मैंने काट दी है। ड्रेस को पहन के आप सो रही है, रात को ही कह रही है कि सुबह मेरे को तैयार नहीं होना पड़ेगा, तो अपना अभी से तैयार हो गए, लेट गई। ये देखो मेरे कितना ढीला है सूट, ये देखो इसकी नई ड्रेस। चीनू कितनी नई ड्रेस लाएगी तू? अभी दो दिन और लाऊंगी, दो दिन और मैं नहीं दिलवाने वाली। और अभी अब मेरी सुन ले तू, ठीक है अभी मैं फाइनल बोलूंगी, अब मेरी सुन ले, ये फर्स्ट एंड लास्ट है बस। अब तू और ड्रेस तेरी आएगी नहीं, यही पहननी है, स्कूल जा या मत जा, ना मैं तेरा एडमिशन कराऊ कहीं और, मत कराओ मैं घर पे रह। हाँ ठीक है, घर पे रह, घर पे रह के कौन पढ़ता, वो तो तेरी मर्जी है। ओपन से करा दो, वो तो तेरी मर्जी है। ओपन से करा दो, मुझे नहीं पता जो ओपन से कर या डाउन से कर, आई डोंट केयर, कोई केयर नहीं आपको मेरी, नहीं स्कूल के मामले में नहीं है, वैसे तो करती हूँ। ये देखो इसको खिड़की में से जा रही है, ये घर छोड़ के। ओ देखो गाय बैठी है। ओ ये देखो भाई गाय बैठी हुई है, आजकल गाय भी देखो देखभाल करती है, वो भाग गया यहाँ आवाज सुन के भी आगे भी आगे। तो गाइस ये देखो गाय का बछड़ा बैठा हुआ है, ये जब से गेट यहाँ से हटाया है ना, ये डेली रात को बैठ जाता है आके, और सुबह फिर इसका गोबर भी पड़ा मिलता है, फिर वो मेरे को साफ करना पड़ता है। तो गाइज मम्मा मेरे सूट की फिटिंग कर रही है जो कि इतना ज्यादा ढीला था, जल्दी कर दो मम्मा, ढंग का बना दो इसको थोड़ा सही लगे जो। तो गाइज मम्मी सिलाई कर रही है मेरे सूट की, कई दिन में मशीन चलाई जाम सी हो गई, चलाया करो ना फिर।
काम ही नहीं होता, छोटा मोटा ही तो होता है काम। तो गाइस मम्मा ने मेरा एक सूट की फिटिंग कर दी है और ये दूसरा सूट है, इसकी फिटिंग भी कर रही है। इस स्कूल में ना दोनों सूट है। जो मेरा पहले वाला स्कूल था उसमें स्कर्ट थी और मेरे को सूट पहनने की इतनी आदत नहीं है, तो मेरे को बहुत ज्यादा वियर्ड सा लगता है जब मैं सूट पहनती हूँ, बट कोई नहीं, अभी दो साल स्कूल की मेरे को आदत हो जाएगी। सेम ही है क्या? दोनों सेम थे। देखो नंबर देखो कितना है। अरे वो लूज। हाँ नंबर देखो तो बताऊंगी। सेम लूज है, कर दो फिट। गाइस चीनू की ड्रेस मैंने कर दी है ठीक, और ये देख रही है पहन के, और ये इसमें अपना नाड़ा डाल रही है सलवार में। मैं जिंदगी में पहली ना ऊपर ऐसे करके, मैं जिंदगी में पहली बार सलवार पहन। तो क्या हो गया, सलवार सही रहती है? देखो सर, एक ये है और एक ये वाइट है, ठीक है। तो गाइस हमारे घर में एक चूहिया घुस गई और उसने बिल्कुल जीना आराम कर दिया। अभी बेड पे चढ़ी हुई थी ना मम्मा, तो मम्मी ने इसमें सेब लगाया, मम्मी ने इसमें एप्पल लगा दिया, ये देखो ये रहा। और अब वो चूहिया आएगी लालच में, एप्पल को पकड़ेगी और इसके अंदर बंद जाएगी। बिल्कुल जीना हराम कर दिया है, मतलब अभी वहां बेड पे उस कोने में मेरे बैग के पास मंडरा रही थी, और किचन में फ्रिज से टेबल के नीचे, टेबल से कहीं, और अभी तो जहाँ आटा रखा है ना उस वाले कैबिन में भी घुसी हुई थी। बस हमें ये डर है कि कभी खाने वाने की चीजों में मुंह ना मारे, या फिर मतलब इन गंदगी होती है ना, तो मतलब जो भी समझ रहे हो ना वो ना करे। तो इसलिए मम्मी ने ये चूहे पकड़ने का जाल लगा दिया पिंजरा, तो आज रात को इसमें आ जाएगी और टाटा बाय बाय बोल देंगे इसको, बाय। तो गाइस काम मैंने सारा कर दिया है, चीनू की ड्रेस भी मैंने ठीक कर दी, उसने ट्राई भी कर लिया, उसको ठीक लग रहा है। तो गाइस इस व्लॉग को ना यहीं पे एंड कर देते हैं और सुबह मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। गुड नाइट गाइस, टेक केयर।